और अब खबरें विस्तार से। जेल आईजी सुमन गुप्ता ने मंगलवार को घाघीडीह जेल का औचक निरीक्षण किया और प्रबंधन को कई हिदायतें भी दी। जेल आईजी सुमन गुप्ता ने मंगलवार को घाघीडीह जेल का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तारतम्यता की कमी नजर आई है, मगर जेल प्रबंधन को हिदायतें दी गई हैं ताकि अधीक्षक एवं कारापाल कैदियों के साथ संवाद कायम रख सके। बहुत कुछ देखा और हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी था और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी तारतम्य की थोड़ी कमी है, ठीक है, उसको बेहतर बनाया जाए। लगातार हम लोग कारा सुरक्षा की बैठक करवा रहे हैं और कैदियों ने अपनी बातें रखी हैं। मेनली उनका रेमिशन का इशू है, आप लोग उससे अवगत है कि नहीं मुझे पता नहीं है, वो अभी हम लोगों के पास लंबित नहीं है, ये बात हम लोगों ने उनको बताई है। कुछ विदेशी यहाँ पर नाइजीरियन कैदी भी हैं, उनसे भी बात किया हमने। हाँ, क्या कैदी कैदी हैं, जो हमारा लॉ के अंदर में आए हैं कैदी हैं, उनको जो उन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी, हमने उनसे इंटरेक्ट किया है। बंदियों ने क्या बात रखी? बहुत सारी बातें रखी हैं, कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, कुछ कानून से रिलेटेड इशू है। कानून से रिलेटेड इशू के लिए हमारे यहाँ सब जगह पारा लीगल वॉलंटियर्स कैदियों के बीच से ही कानून का एडवाइस देने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उनको कुछ कुछ चीजों की जानकारी नहीं है, तो हमने उनको जानकारी दिया है अभी, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अधीक्षक हैं और जो हमारे सहायक कारापाल हैं, इनके लेवल से लगातार कैदियों से इंटरेक्शन हो। तो हम लोग उसको एक कैदी पंचायत का नाम दिए और हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप इमीडिएटली शुरू कीजिए उसको, सो दैट कि उनके जो स्मॉल इश्यूज रहते हैं, पैरोल है या रेमिशन है या जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहते हैं, चाहे इनके ऑफिस में पेंडिंग है सरकार में, हमारे ऑफिस में, उसमें हम लोग एक एक्सपेडाइट उसको कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के साथ एनसीसी कैडेटों ने मंगलवार को शहर में जागरूकता रैली निकाली। वे हाथों में प्लाई कार्ड थामे हुए थे। कमांडेंट हरभजन सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को एनसीसी कैडेटों ने एक जागरूकता रैली निकाली। हाथों में प्लाई कार्ड थामकर विभिन्न स्कूलों के कैडरों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। रैली को ऑपरेटिव कॉलेज परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। पढ़ाओ बेटी बचाओ का आज हम रैली निकाल रहे हैं। हमारा कोऑपरेटिव कॉलेज में तकरीबन 500 बच्चे का कैंप लगा हुआ है और हम 37 एनसीसी बटालियन से संबंध रखते हैं। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली निकाल रहे हैं कोऑपरेटिव कॉलेज से जुबली पार्क, जुबली पार्क से डीजी हाउस, सर्किट हाउस से जाके द्वारा हमारा खत्म रैली होगा कोऑपरेटिव कॉलेज में ही। मैं सुविधा हरभजन सिंह, 37 एनसीसी झारखंड बटालियन। झारखंड फुटपाथ दुकानदार यूनियन ने प्रशासन से बिना सत्यापन किए किसी को भी फुटपाथ पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं देने की मांग की है। साक्षी मंगला हाट में दुकान लगाने को लेकर अब तक जिच कायम है। मंगलवार को जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मंगला हाट नहीं लगा। झारखंड फुटपाथ दुकानदार यूनियन के सदस्यों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रशासन को सौंपी गई दुकानदारों की सूची का सत्यापन करने की मांग उठाई है। उनका नेतृत्व कर रहे उमर खान ने कहा कि कुल 502 दुकानदारों के नाम हैं, जिनका सत्यापन जरूरी है, अन्यथा टकराव की संभावना है। 502 दुकानदारों की वो सूची का सत्यापन करने के लिए हम लोग तमाम जो मंगला हट के दुकानदार हैं उनको यहाँ पर बुलवाए हैं। चूंकि जो सूची जिला प्रशासन को सौंपा गया वो इस प्रकार है, 1 से 99 झंडा चौक है, 100 से 180 होटल लाइन है, 181 से 316 बसंत टॉकीज लाइन है, 317 से 358 भोला महाराज लाइन है और 359 से 502 बाटा चौक है। अब ये 502 दुकानदारी की सूची जो जिला प्रशासन को सौंपा गया है उसका सत्यापन मंगला हाट उत्पाद यूनियन कर रहा है कि एक्चुअल में ये लोग कौन हैं और इनमें फर्जी लोग कितने हैं। और हम ये मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरा कुछ लोग जो है 583 दुकानदारों की सूची दिए हैं जिला प्रशासन को, तो उसका सत्यापन का जांच जिला प्रशासन करे। और बिना जांच के अगर जिला प्रशासन अनुमति मंगला हाट लगाने का देता है या फुटपाथ पर दुकानदार लगाने को देता है तो खुले तौर पर मरता क्या नहीं करता, साम दाम दंड भेद हर तरीके से हम लोग मार्केट में घुसकर उसका विरोध करेंगे, पहले भी करे हैं और अभी भी करेंगे। तो जिला प्रशासन को हम चेतावनी दे रहे हैं
कि बिना सत्यापन के किसी भी तरह का अनुमति किसी भी संगठन को फुटपाथ पर लगाने का अनुमति नहीं दिया जाए। अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर मंगलवार को NIT के बाहर दर्जनों लोगों ने धरना दिया। अनुकंपा आश्रित संघर्ष समिति के बैनर तले दर्जनों लोगों ने मंगलवार को NIT के बाहर धरना दिया। उनका नेतृत्व कर रहे संतोष मंडल ने कहा कि NIT प्रबंधन द्वारा उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में आनाकानी कर रहा है। नौकरी दो या गद्दी छोड़ो, नौकरी दो या गद्दी छोड़ो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मांग एक ही है, अनुकंपा जो भी अनुकंपा के आधार पर आश्रित है उन्हें नौकरी में रखा जाए। हाँ, जो कई वर्षों से मतलब कोई 10 साल से हैं, कोई 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, उस सारे लोगों को जो इंतजार करते हुए आ रहे हैं उस सारे लोगों को नौकरी दिया जाए और नौकरी में रखा जाए। क्योंकि ये नियम है कि जो भी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है उनकी आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना है। ये नियम हर जगह है, लेकिन यहाँ पे जो प्रबंधक है वो मनमानी ढंग से जो है सारे लोगों को समझा दिया जाता है और हम बहुत सारे लोगों को जो ज्ञान नहीं रहता वो भटक जाते हैं। और हम लोग जब अब उभर के आए हैं कि हम लोग को जितने भी लोग हैं उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए और जितने भी लोग हैं उनको सबको मिलना चाहिए। कितने लोग हैं आश्रित इस तरह से? कम से कम 65-70 आदमी जो है इंतजार में खड़े हैं इस अनुकंपा का आश्रित जो है। आदित्यपुर में एक मां ने चंडी का रूप धारण करते हुए अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले युवक की सरेआम पिटाई कर एक नई मिसाल पेश की है। घटना आदित्यपुर स्थित SBI बैंक के निकट की है, जहाँ एक महिला ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहाँ थोड़ी ही देर में मजमा लग गया। बाद में युवक ने वहां से भाग खड़ा होने में ही अपनी भलाई समझी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि उक्त महिला के पुत्री के साथ युवक बराबर छेड़खानी करता था, जिसकी शिकायत युवती ने मां से कई बार की है। मंगलवार को भी कंप्यूटर क्लास से लौट रही युवती के साथ युवक ने छेड़खानी की, जिसे देख मां ने आओ देखा ना ताओ युवक की सरेआम पिटाई शुरू कर दी। कहाँ रहता है आदमी, रहता कहाँ है? क्या नाम क्या है? हम सर 19 नंबर से अभी आ रहे थे। हाँ। मेरा बच्चा कुछ देख रहा है, तंग कर रहा है, हैरान कर रहा है, हम कुछ किए नहीं सर। कहाँ रहता है? तुम कहाँ रहता है? हम उधर रहते हैं। इधर कहाँ? रामगढ़िया बस्ती में। रामगढ़िया बस्ती कहाँ पे? यही गाजीपुर में। नाम क्या है? संतोष कुमार। हम कुछ 19 नंबर क्या करने गया था? 19 में आधार कार्ड बनवा रहे हैं, 2 दिन से जी। आधार कार्ड आप बनवा रहे हैं? हाँ। सत्ताईसवां फ्लावर शो का मंगलवार को समापन हुआ। टाटा स्टील के अधिकारी आनंद सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। गोपाल मैदान में टाटा स्टील एवं हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित 27वां पुष्प प्रदर्शनी का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। टाटा स्टील के अधिकारी आनंद सिंह ने अमेच्योर वर्ग में प्रमोद कुमार सिंह को ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्रदान की। इसके अलावा संस्थान वर्ग में एक्सलराई को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब दिया गया। गुलाब वर्ग में किंग ऑफ द शो का खिताब प्रभा अग्रवाल को दिया गया। इस मौके पर जिसको MD आशीष माथुर, कैप्टन धनंजय मिश्रा आदि मौजूद थे। Economic cargo movers from the bonsai category for institutions. For the amateurs, this is for the amateurs category, ladies and gentlemen. So the king of the show for amateurs, Ms. Prabha Agarwal. Now moving on to our champion, king of the show. Congratulations, and their variety is called Hot Point. Now moving on to the queen of the show, Chrysanthemum. That goes to, for the amateurs category, queen of the show. For the institution category and their herbal plants are becoming popular once more. So could we do something to encourage herbal, because it is also a means of income?
even some simple things like usage of plants in an innovative manner, about which we have made a start, usage of waste material and gardening, using less resources such as water, which is becoming scarce over a period of time. Are there some other ways, some attendant ways in which we can make the flower show take on a different level? Because I think, as Captain Mishra mentioned, that we have got a lovely venue, we have got a lovely season, we have got some kind-hearted sponsors and a hard-working society. So what more do you want? I mean, you have it all. If you need to get to the next level and really draw the crowd from elsewhere, then we have to think out of the box. सिटी एसपी चंदन झा ने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पिकनिक के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाएगी और पिकनिक स्पॉट में सादे वस्त्र में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नव वर्ष के लिए जितने भी स्पॉट हैं जहां पे भीड़ रहने की उम्मीद है, जैसे पिकनिक स्पॉट हुआ, सिनेमा हॉल हुआ और अलग अलग जो पर्यटन के स्थल हैं, वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट तो होगा ही और सादे लिबास में भी महिला और पुरुष दोनों फोर्स का रहेगा अरेंजमेंट। और महिला थाना को भी हमने एक्स्ट्रा बोला है अलर्ट रहने की, कहीं कोई यूटीजिंग वगैरह का मामला नहीं और आए तो उसको सख्ती से निपटने के लिए जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है सभी जगह शराबी लोग अगर जाते हैं तो उसके लिए क्या, उसके लिए कोई सेपरेट पुलिसिंग नहीं है। जो हमारा थाना कंसर्न डीएसपी हुए, हम हुए, जो हमारी टीम है वो वही उनका भी काम रहेगा कि कोई बी के कहीं कोई हंगामा नहीं करे और महिला संबंधित के लिए सेपरेट हमारी जो महिला टीम है, महिला थाना है, वो पूरी तरह तैयार रहेगी।